चलिए तो हम लोग बात कर रहे हैं आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित फिशन और उनके उत्तर। बहिष्कृत हितकारिणी सभा के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर बी आर अंबेडकर। अगला प्रश्न है हमारा, 1929 ईस्वी के कांग्रेस के ऐतिहासिक लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है हमारा, साइमन कमीशन के विरोध में प्रदर्शनकारियों पर पुलिस लाठी चार्ज में घायल होने के किस राष्ट्रपति नेता राष्ट्रवादी नेता की मृत्यु हुई जिनका बदला लेने के लिए सरदार भगत सिंह ने पुलिस अधिकारी सांडर्स की हत्या की थी? लाला लाजपत राय। अगला है, डॉक्ट्रिन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस की रचना किसने की थी? अरविंद घोष ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को किस वर्ष गैर कानूनी घोषित किया गया? 1934 ईस्वी। अगला, 1935 के भारत अधिनियम की संयुक्त संसदीय कमिटी के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो। अगला है, जिन्ना ने किस दिन का मुक्ति दिवस मनाने का आदेश मुसलमानों को दिया? 22 दिसंबर 1939 को। अगला, सोवियत संघ में हुए कम्युनिस्ट अंतर्राष्ट्रीय के द्वितीय अधिवेशन में किस भारतीय ने भाग लिया था? मानवेंद्र नाथ राय ने। अगला क्वेश्चन है, 1923 के विधानसभा चुनाव में 100 राज्यों को किस राज्य में बहुमत हासिल हुआ था? मध्य प्रदेश में। अगला है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई? 1936 में। अगला है, खासी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तीरथ सिंह ने। अगला क्वेश्चन है, वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में प्रयोग के तौर पर लगाव वसूलने का अधिकार किनको दिया था? ठेकेदारों को। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की सीधी कार्यवाही दिवस का संबंध किस वर्ष से है? तो 1946 से। अगला है, क्या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आजाद हिंद फौज के अधिकारियों की अंग्रेजों के विरुद्ध मुकदमे में पैरवी की थी? नहीं। अगला है, स्वतंत्रता संग्राम के त्रिगुट लाल बालपाल में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बना? लाला लाजपत राय। अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद अली जिन्ना का 14 सूत्री प्रस्ताव किसने के विरुद्ध था? नेहरू रिपोर्ट के। अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कांग्रेस का रेडियो संचालन का श्रेय किसको दिया जाता है? उषा मेहता को। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। अगला है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने गोलमेज सम्मेलन की कितनी बैठकों में भाग लिया था? तो तीनों बैठकों में भाग लिया था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब ने। अगला क्वेश्चन है, 1940 में संचालित व्यक्ति सत्याग्रह आंदोलन के सत्याग्रही कौन थे? विनोबा भावे। अगला है, यह किसकी उद्घोषणा थी कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा? तो याद रखिए, बाल गंगाधर तिलक की। अगला क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक कितनी बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने? एक बार भी नहीं। अगला है, एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक थे? विलियम जोन्स। अगला है, पाकिस्तान की मांग किस वर्ष की गई? 1940 में। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था का प्रावधान पहली बार किस एक्ट में किया गया? तो याद रखिए, 1909 के एक्ट में। अगला क्वेश्चन है, अध्यक्षीय संबोधन के समय किस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी? तो याद रखिए, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कैद किया था 10 मार्च 1922 को। अगला, भारत के विभाजन के विरोध में किस प्रमुख दल ने 3 जुलाई 1947 को काली दिवस के रूप में मनाया था? हिंदू महासभा ने। अगला है, कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय था? लॉर्ड डफरिन। अगला है, द रिवोल्यूशनरी के संपादक कौन थे? सन्याल सचिता सचिंद्र नाथ। अगले, पॉलिटिकल फ्रीडम इज
द लाइफ वेस ऑफ नेशन, यह नारा किसका था? अरविंद घोष का। अगला है हाउ इंडिया फोर फोर फ्रीडम किसकी कृति है? एनी बेसेंट की। अगला है बंगाल विभाजन के रद्द होने के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड हार्डिंग्स। अगला क्वेश्चन है असहयोग आंदोलन के पहले दिन प्रातः किस महान भारतीय नेता का निधन हो गया था? बाल गंगाधर तिलक का। अगला है महात्मा गांधी ने अपने विचारों के प्रसारण हेतु किस समाचार पत्र का संपादन किया था? हरिजन का। अगला है पूला पूना पैक्ट किसके मत हुआ था? महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के मत। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने गोलमेज कॉन्फ्रेंस की किस बैठक में भाग लिया था? द्वितीय बैठक में 1931 में। अगला किसने कहा था कि यदि मुझे एक से अधिक जीवन मिले तो मैं वो सबको अपने देश के लिए बलिदान कर दूंगा? तो ये थे करतार सिंह सराभा। अगला है नायर सर्विस सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मन्मथ पद्मनाथ पिल्ले द्वारा। अगला है किस नेता ने 1942 से 1943 के घटनाक्रमों को विपत्ति की संज्ञा प्रदान की थी? महात्मा गांधी ने। अगला है रानी गुडली का संबंध किस विद्रोह से था? नागा विद्रोह से 1932। अगला है स्वदेशी आंदोलन के अंतर्गत राष्ट्रवादियों द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद का गठन कब किया गया? तो 1906 में किया गया था। अगला है लॉर्ड कर्नवालिस के समय कौन सा शिष्टमंडल नेपाल भेजा गया था? तो ये था क्रिक पेटिक शिष्टमंडल। अगला है राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? वीर सेलिंगम पंतुल पंतुलु ने। अगला है 1857 के विद्रोह को किसने धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध कहा था? तो ये थे LER रीज ने। अगला क्वेश्चन है वंग भंग आंदोलन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगला है महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय फोर्स्ड डिटेक्ट चेक कहकर ठुकरा दिया था? क्रिप्स मिशन। यहाँ याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी का राजनीतिक गुरु भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन है जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया तो कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद। अगला क्वेश्चन है गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ? 1931 में 5 मार्च को। 1922 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? 1928 में। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद व उनके साथियों ने। अगला क्वेश्चन है महात्मा गांधी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का प्रथम सत्याग्रही किसे चुना था? विनोबा भावे को। अगला क्वेश्चन है चोरी चोरा हिंसा के कारण गांधी जी ने 1922 में कौन सा आंदोलन वापस लिया था? असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन है बंगाली देशभक्त की बाइबिल मानी जाने वाली पुस्तक है आनंद मठ। अगला क्वेश्चन है संभलपुर जैतपुर बगहात किस सिद्धांत के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य में मिलाए गए? तो यह गोद निशेष सिद्धांत के अंतर्गत डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। अगला है बाल गंगाधर तिलक ने किसके विरुद्ध मान हानि का दावा किया था? ये था वैलेंटाइन सिरोल के विरुद्ध। अगला है मद्रास में होम रूल लीग की प्रधान नेता कौन थे? सुब्रमण्यम अय्यर। अगला है बिना अपील बिना वकील बिना दलील का कानून किसे कहा गया था? रोलेक्ट एक्ट को। अगला है 1926 में पंजाब में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई थी, इसके प्रथम सचिव थे भगत सिंह। अगला है नागरिक अवज्ञा आंदोलन में गढ़वाली सिपाहियों के 2 प्लाटूनों ने अहिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया, इन प्लाटूनों का नेता कौन था? चंद्र सिंह गढ़वाली। अगला है गांधी जी ने अपने प्रसिद्ध दांडी मार्च में कितने चुने हुए अनुयायियों को साथ लेकर साबरमती आश्रम से चले थे? 78।
अगला है, कांग्रेस ने पहली बार स्वराज की मांग अपने किस अधिवेशन में की थी? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। अगला है, 1857 मेरठ छावनी में विद्रोह का दिन क्या था? 10 मई। अगला है, 1857 के विद्रोह में जनता के किस वर्ग ने भागीदार नहीं की? शिक्षित वर्ग ने भागीदारी नहीं की थी। अगला, हिस्ट्री ऑफ द इंडियन म्यूटिनी नामक पुस्तक के लेखक हैं चार्ल्स बोल। अगला, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग की अफवाह। अगला है, किस मुगल बादशाह ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी? अकबर द्वितीय ने।